गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे फॉर सेकेंड क्लास. ओके, एंड द चैप्टर इज चैप्टर नंबर इज 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एपोस्ट्रोफी. हम लोग एपोस्ट्रोफी के बारे में आज हम लोग जानेंगे. तो एपोस्ट्रोफी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वी यूज एपोस्ट्रोफी फॉर पोजिशन एंड कंट्रैक्शन. ओके, तो हम लोग जो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं दो चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं. पहला तो पोजिशन, पोजिशन. ओके, पोजिशन का क्या मतलब होता है? पोजिशन मीन्स होता है ऑनरशिप, यानी कि अधिकार जताना. ओके, अधिकार जताना, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. दूसरा हम लोग क्या यूज करते हैं, दूसरा जो है कंट्रैक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी का. कंट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, यानी कि अगर सेंटेंस बड़ा है तो उसको छोटा करना. ठीक है, सेंटेंस बड़ा है तो उसको छोटा करके लिखने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो ये दो चीजों के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस इज द बैग ऑफ आयशा. यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेंटेंस, क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में, दिस इज द बैग ऑफ आयशा. ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को ये बता क्या रहा है, तो इन द सेंट इन द अबव सेंटेंस द बैग बिलोंग्स टू आयशा. तो इस सेंटेंस में जो बैग है वो बैग किसके बिलोंग है, यानी कि वो किसका बैग है, तो आयशा का बैग. ओके, किसका बैग है, आयशा का बैग. तो वो जो नाउन है, दैट इज जो आयशा है वो नाउन है. ओके, हम लोग उसको सेपरेट कर लेंगे, यानी जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बिलोंग्स हो, कोई भी सामान हो, वो सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे. और फिर एपोस्ट्रोफी डालकर हम लोग इसे कैसे चेंज करेंगे वो जान लेते हैं. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है दिस इज द बैग ऑफ आयशा, तो आयशा को हम लोग पहले ले लेंगे. और क्या करेंगे, ऐसा में ही हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे और उसे चेंज करके कैसे बनाएंगे वो देख लेते. दिस इज आयशास बैग. ओके, तो जो नाउन है उसी में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं. ओके, तो इसमें क्या कह रहा है, दिस इज आयशास बैग, तो हम लोग ऐसे करके चेंज कर लिए. नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट है, यहाँ सेकेंड नंबर एग्जाम्पल है उसे समझ लेंगे. द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट इज वेरी लॉन्ग. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, तो ट्रंक किसका, सूंड किसका, एलिफेंट का, हाथी का, तो हाथी को सेपरेट कर लेंगे. ओके, और लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस किस में, तो एलिफेंट में ही एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और चेंज करके हम लोग कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं. यहाँ पे द एलिफेंट्स, ओके, क्या है, द एलिफेंट्स ट्रंक इज वेरी लॉन्ग. अब क्या हो गया, द एलिफेंट ट्रंक इज वेरी लॉन्ग. पहले हम लोगों ने क्या किया था, द ट्रंक ऑफ एलिफेंट. ओके, किसका सूर, द एलिफेंट का सूर. अब यहाँ पे क्या हो गया, एलिफेंट्स सूर, यानी एलिफेंट्स ट्रंक. ओके, ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगा के उसको शॉर्ट कर लेंगे और छोटा करके हम लोग उसे लिख लेंगे. तो आपका जो बुक है चैप्टर नंबर 7, ओके, पेज नंबर 19 खोलेंगे, इसमें आप लोग देख लेंगे एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है. यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है पॉइंट नंबर में, इफ नाउन इज प्लूरल वी जस्ट एड डैश ऊपर में. ओके, अगर नाउन प्लूरल हो तो जो डैश का ये शाइन है इसी को सिर्फ हम डालेंगे, एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे. जैसे कि एग्जांपल नीचे लिखा गया है, द शर्ट ऑफ द बॉयज, द शर्ट ऑफ द बॉयज, यहाँ पे बॉयज इज अ नाउन, इसी में हमको लगाना है एपोस्ट्रोफी एस. बट ये क्या है, बॉयज है, तो बॉयज है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसमें डैश ऊपर में लगा देंगे. तो यहाँ पे क्या बन गया, द बॉयज शर्ट्स, द बॉयज शर्ट्स. ओके, तो अगर प्लूरल हो तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ये जो डैश है ऊपर में इसके बगल में लगा देंगे. ओके, ऐसे ही करके फिर नेक्स्ट जान लेंगे. अब हम एक्सरसाइज में आ जाते हैं. एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर कह रहा है, द टॉयज ऑफ द चिल्ड्रेन वेयर अट्रैक्टिव, द टॉयज ऑफ द चिल्ड्रेन वेयर अट्रैक्टिव. अब इसे हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगा के इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर लेंगे, तो पहले जो चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन का ट्राई कह रहा है, तो चिल्ड्रेन में ही हम लोग क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, यानी नाम को सेलेक्ट करके उसमें ही एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. तो यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रेंस, क्या, चिल्ड्रेंस ट्राई. ओके, चिल्ड्रेंस ट्राई वेयर अट्रैक्टिव, चिल्ड्रेंस ट्राई वेयर अट्रैक्टिव. ओके, तो ऐसे करके हम लोग शॉर्ट कर लेंगे. सेकेंड नंबर कह रहा है, द हाउस ऑफ माई फ्रेंड इज वेरी बिग. अब क्या कह रहा है, द हाउस ऑफ माई फ्रेंड, यानी मेरे मित्र का, तो वहाँ माई फ्रेंड जो हो जाएगा वो नाउन हो जाएगा और उसको सेपरेट कर लेंगे. ओके, माई फ्रेंड को सेपरेट कर लेंगे और उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे. तो माई फ्रेंड्स हाउस इज वेरी बिग. ओके, माई फ्रेंड्स हाउस इज वेरी बिग. ऐसे करके हम लोग क्या कर लेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का लगा के और हम लोग सेंटेंस को चेंज कर लेंगे. ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, पेज नंबर 20 तक को फिल कर लेना है अच्छे से. अगर कुछ समझ में नहीं आए तो फिर हमसे कंसल्ट करना है. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.